हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ऐसा बेहतरीन सा सस्ता वाला और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इफ़ेक्ट्स देने वाला हेयर स्पा बताने वाली हूँ। हेयर स्मूदनिंग, हेयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला ऑल इन वन ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि बालों में आपको देगा बहुत ही बेहतरीन सी शाइन, सॉफ्टनेस, स्मूथनेस और साथ ही साथ जो फ्रिजी हेयर होते हैं उसकी प्रॉब्लम को दूर करेगा, यानी कि बालों को बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट और लंबा, घना, मजबूत बनाएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एगलेस मेयोनीज। आपकी जितनी लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी ले सकते हैं मेयोनीज की, और एक बड़ा चम्मच कोकोनट ऑयल हम इसमें लेंगे। तो कोकोनट ऑयल जो आप लेंगे उसको और मेयोनीज को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसको अपने पूरे बालों में अप्लाई करना है। आप चाहें तो स्कैल्प पे लगा सकते हैं, बट स्कैल्प पे अगर आप बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो आपको बाल धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आप इसे पूरा एज अ पैक बालों के ऊपर से ले कर नीचे तक पैक की तरह पूरे बालों में लगाएंगे इसको, और इसको लगाने के बाद आपको 2 घंटे के लिए करीब बालों में रखना है। शावर कैप पहन के, चाहे किसी भी पॉलीथिन को लपेट के आप इसे रखेंगे अपने बालों में, और 2 घंटे बाद आप इसे शैम्पू से धो लेंगे। शैम्पू का यूज़ कम कीजिएगा, बस इसको बालों से अच्छे से रिमूव कर लेना है, निकाल लेना है। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इसको अप्लाई करने के बाद कंडीशनर ज़रूर लगाना है और बालों में हेयर सीरम ज़रूर लगाना है। तो बस ये बहुत ही बेहतरीन सा हेयर पैक है, हेयर मास्क है। ये बालों में इतनी ज़्यादा हेल्दी शाइन, चमक और मजबूती देगा कि आप दंग रह जाएंगे। और इसे आप महीने में एक बार ज़रूर लगाएं। मेयोनीज कैसे बनाना है एगलेस, ये आपको पता है, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप मार्केट से एगलेस मेयोनीज का एक छोटा सा पाउच ले सकते हैं और आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे ट्राई करके अपने रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन पे शेयर कीजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।